कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमर को जोड़ा हुआ है किसने? कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट, और यह है सब एक्रोमियल बर्सा। एक बर्सा यहाँ पर मौजूद है जो एक्रोमियन के नीचे मौजूद है ताकि इसको रगड़ लगने से महफूज रखे, और ये नीचे जो है ना वो मसल जा रहा है जिसके साथ ये टेंडन जो है वो जुड़ा हुआ है। जबकि शोल्डर का जो जॉइंट है वो साइड आगे पीछे भी जाएगा और वो साइड में भी जाएगा और वो रोटेट भी करेगा। तीन तरह की मूवमेंट उसके अंदर पॉसिबल है। शोल्डर जॉइंट पे भी ऑलमोस्ट वही सारी की सारी चीज़ें हैं, सिर्फ जो फ़र्क है वो ये कि थोड़ी सी बोन्स वो डिफरेंट बोन्स हैं। जैसे ये कोरेकोइड प्रोसेस है जो क्लेविकल के साथ ही आगे जुड़ा हुआ है, और ये एक्रोमियन है, और इन दोनों के बीच में ये लिगामेंट है, और इसी तरह से ये इसका नाम क्या है, कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, इस लिगामेंट का नाम। और ये है सब एक्रोमियल बर्सा। एक बर्सा यहाँ पर मौजूद है जो एक्रोमियन के नीचे मौजूद है ताकि इसको रगड़ लगने से महफूज रखे, ऊपर और नीचे वाले उसको बोन्स को। फिर उसके बाद है कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। तो ये जो लिगामेंट है ये ह्यूमर आ रही है ना नीचे से, तो ह्यूमर और ये अपना कोरेकोइड प्रोसेस, इन दोनों को आपस में जोड़ा हुआ है इस लिगामेंट ने, सही है। ये जो ये वाली जो हड्डी है आपकी ना, ये ह्यूमर है, और इधर जो है कोरेकोइड प्रोसेस है। तो कोरेकोइड प्रोसेस और ह्यूमर को जोड़ा हुआ है किसने? कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट ने, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। ये जो एक उसमें क्या कहना चाहिए, जो उभरी हुई सी जगह होती है उसको बोलते हैं हम ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस। और इसी तरह से ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है। ये लिगामेंट जो है वो ट्रांसवर्स है, यानी कि ये ऐसे जा रहा है यूं तिरछा इस तरीके से। और उसके बाद फिर है टेंडन की शीध है जो कि चढ़ी हुई है किसके ऊपर, मसल के ऊपर। टेंडन शीथ जो है वो किसके ऊपर है, बाइसेप के मसल के ऊपर, और टेंडन ऑफ द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल्स। और ये नीचे जो है ना वो मसल जा रहा है जिसके साथ ये टेंडन जो है वो जुड़ा हुआ है। तो तकरीबन जो है ना चीज़ें इसमें ऑलमोस्ट वही हैं, बस थोड़ा सा नामों का फ़र्क है। मतलब इसमें वही बोन्स को जोड़ा हुआ है लिगामेंट्स ने। अगर आप बिल्कुल आसान जबान में बात करें तो जो बोन है यहाँ पर, एक मेन बोन तो ये है जो आपकी ह्यूमरस है, इसको और जो शोल्डर के साथ जो जुड़ी हुई है ये बोन, आपस में जुड़ी हुई हैं लिगामेंट्स के ज़रिए से, सही है। मुख्तलिफ लिगामेंट्स हैं जिन्होंने उन बोन्स को आपस में जोड़ा हुआ है, और उनके बीच में भी आर्टिकुलर कैप्सूल जो है वो यहाँ पर मौजूद है जिसके अंदर वो साइनोवियल कैविटी मौजूद है, और उसके अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद है, और उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है। तो यहाँ पर भी अंदर जो है ना साइनोवियल कैविटी ही है, और वो साइनोवियल कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड ही भरा हुआ है, और ये भी आपका साइनोवियल जॉइंट है। लेकिन इसमें मूवमेंट जो है ना वो अलबत्ता काफ़ी सारी उससे ज़्यादा है, वर्सेटाइल मूवमेंट है। जैसे उसकी मूवमेंट तो थी सिर्फ एक प्लेन में ना, सिर्फ एक तरफ चल सकता था, वो साइड वेज भी नहीं जा सकता था, सिर्फ एक तरफ नी जॉइंट। जबकि शोल्डर का जो जॉइंट है वो साइड आगे पीछे भी जाएगा और वो साइड में भी जाएगा और वो रोटेट भी करेगा। तीन तरह की मूवमेंट उसके अंदर पॉसिबल है। तो ये आपका है शोल्डर जॉइंट।